हेलो गाइस, जैसे कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने काफ़ी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी एसिड बेस की। अप्रॉक्स उतने ही रिएक्शन है जितनी मैंने आपको कराई थी, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है नहीं है। और एक्सरसाइज जो हम लोग चलेंगे तो एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप लोग उसी को प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज में एक बार देखिए और कौन कौन से रिएक्शन अगर नहीं आते तो हमें बता देना। एग्जाम्पल प्रॉब्लम जो है उन्हें आप सॉल्व करिए, आई थिंक आपको सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन सब। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी के टॉपिक में आगे। इंडिकेटर पीएच स्केल पहले पढ़ लेते हैं। पीएच स्केल क्या होता है, क्योंकि पीएच स्केल से कुछ चीजें निकल के आएंगे। तो पीएच स्केल ये स्टार्ट करते हैं पहले इंडिकेटर। देखिए इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर्स से नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने वाले केमिकल्स इंडिकेटर कहलाते हैं। जैसे हम लोग एसिड बेस पढ़ रहे हैं तो एसिड किस तरीके से इंडिकेट होगा। अब हर एसिड तो हम चख के नहीं देख पाएंगे ना, जो खट्टा है मीठा है क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड कौन चखेगा भाई, सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है। तो इस तरीके से भाई फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों ने फिजिकल साइंस जो है जो प्रॉपर्टी उसमें हम लोग पढ़ा था, सॉल्ट टेस्ट है, बेटर टेस्ट है, सो ऑन, ये सब पढ़ा था। लेकिन टेस्ट सारे टेस्ट तो नहीं कर सकते ना हम, तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर बनाए गए। और उन इंडिकेटर को हम लोग जब एसिड के साथ में मिक्स करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। और जब वो कलर शो करते हैं तो उस बेसिस पे हम बताते हैं कि ये हमारा एसिड है या बेस है। तो बेसिकली हम लोग अपने लेसन में इंडिकेटर को एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो टोटल हमारे यहाँ पर कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं और कुछ हमारे आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से हैं देखिए, नेचुरल इंडिकेटर में आता है आपका लाइकेन, टर्मरिक, हल्दी जिसे कहते हैं, और टर्मरिक के बाद में आपका आता है चाइना रोज पेटल। चाइना रोज मतलब गुड़हल की जो पत्तियां होती हैं, गुड़हल के फूल की जो पेटल्स होते हैं उनको, पेटल्स मतलब पत्तियां, वही फूल की जो पत्तियां बाहर निकली होती लाल लाल उसी को कहते हैं। तो ये तो हो गए हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स हमको सबसे ज्यादा होता है, लाइकेन क्या होता है, आप लोगों ने थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ सकती है। फंजाई जो होते हैं और एल्गी, इन दोनों को जब मिक्स कर दिया जाता है, मिक्स आपस में एक दूसरे का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है इनकी, और ये वहां पर उगते हैं जहां पर पॉल्यूशन नहीं होता है, पॉल्यूशन या ना के बराबर होता, वहां पर ये उगते हैं। तो लाइकेंस उन्हें लाइकेंस करते हैं, यानी कि एल्गी और फंजाई आपस में एक दूसरे को सपोर्टिंग करने के लिए जहाँ पर ये जनरेट होते हैं या फिर जर्मिनेट करते हैं उन्हें हम लाइकेन कहते हैं। और लाइकेन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर है ब्लू कलर का जो होता है, और इसको हम लोग ब्लू कलर को यूज़ करते हैं एज अ इंडिकेटर। उसी के अलावा टर्मरिक, ये भी आप लोग चाइना का बात करें। आर्टिफिशियल कौन कौन से हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर, फिनोक्सिलिन सबसे पहले एक है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन, फिनोक्सिलिन निकलता है
उसे हम एक पेपर पे डालते हैं, उस पेपर को हम लोग कहते हैं लिटमस पेपर, और ये होता है ब्लू कलर का और रेड कलर का। तो यहां पर हम लोग लिख दे रहे हैं ना लिटमस पेपर, क्लियर। तो लिटमस पेपर जो है, अगर लिटमस पेपर कैसा हो, ब्लू कलर का हो, उस पर अगर हम एसिड डालते हैं तो वो रेड पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर वही लिटमस पेपर रेड कलर का हो, अगर हम उस पर एसिड डालते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आता है, नो इफेक्ट। अगर लिटमस पेपर रेड कलर का हो और उस पे अगर हम बेस डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। लेकिन वही लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का है और उस पे अगर हम बेस डालते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्या क्या सीख लिया? अगर एसिड को इंडिकेट कराना है तो आपको कौन सा यूज करना होगा? ब्लू लिटमस पेपर यूज करना है। अगर आपको बेस यूज कराना है तो आपको क्या यूज करना होगा? रेड लिटमस पेपर यूज करना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्मरिक। टर्मरिक अगर है, टर्मरिक में अगर हम एसिड डालते हैं, टर्मरिक में अगर हम बेस डालते हैं, अगर हम एसिड डालते हैं टर्मरिक में बेस डालते हैं तो ये ब्राइट रेड कलर का हो जाता है। लेकिन अगर हम एसिड डालते हैं तो ये लाइट येलो ही कलर का रहता है। क्लियर? इसके अलावा हमारा है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में अगर हम एसिड पे एक बूंद डालें तो कलर, और मिथाइल ऑरेंज में अगर हम बेस की एक बूंद डालें तो कलर। अगर हम मिथाइल ऑरेंज में एसिड की एक बूंद डालते हैं तो वो हमारा येलो कलर में कन्वर्ट, सॉरी रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है एसिड, और अगर बेस डालते हैं तो वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारा रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा फिनोक्सिलीन को अगर हम एसिड डालते हैं, वही फिनोक्सिलीन में अगर हम बेस डाल दें तो कलर, देखिए अगर फिनोक्सिलीन में हम एसिड डालते हैं तो वो कलरलेस रहता है, कोई कलर नहीं आता है एसिड डालने पर, और बेस डालते हैं तो वो हमारा पिंक कलर का हो जाता है। तो एक समरी देखिए इनका पूरा, एक साथ लेके अगर हम, अगर हमारे पास में लिटमस पेपर है, कैसा लिटमस पेपर चाहिए? ब्लू। अगर हम उसको एसिड पे डालें, अगर हम उसको बेस पे डालें तो रेड, ब्लू लिटमस पेपर है, एसिड डालोगे तो रेड हो जाएगा, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर हमारा लिटमस पेपर रेड कलर का है और उस पे अगर हम एसिड डालें तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और ब्लू कलर है तो ये हमारा ब्लू कलर हो जाएगा। अगर हमारा टर्मरिक है, क्लियर हो गया? नहीं हो गई, ये भी हो गया। अगर हमारे पास में टर्मरिक है, अगर उसमें एसिड डाला तो वो येलो कलर का हो जाएगा, और अगर बेस डाला तो वो ब्राइट रेड कलर का हो जाएगा। अगर हमने मिथाइल ऑरेंज डाला, अगर मिथाइल ऑरेंज को में एसिड डाला तो वो हो जाएगा रेड कलर का,
अगर एसिड डाला तो कलरलेस रहेगा, लेकिन अगर बेस डाला तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। तो इस बेसिस पे ये सारे जो कलर्स हैं, इन कलर्स के बेसिस पे हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है। तो ये तो हो गई हमारे सारे इंडिकेटर की बात, इतने भी हमारे इंडिकेटर। अब आते हैं हम पीएच स्केल पे। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल, देखिए पीएच स्केल क्या होता है, एक स्केल होती है जो आप लोग स्केल यूज करते हो, वही स्केल है। इसमें बीच में 7 होता है, यहाँ 14 होता है और यहाँ पर 0 होता है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से मतलब आप यहाँ 6 तक लिख लो आप, और यहाँ 7 से लेके 14। जो 7 वाली वैल्यू है उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल से इस तरफ की सारी वैल्यू को हम लोग कहते हैं एसिड, और 7 से डाउन वाले साइड की तरफ में सबको कहते हैं बेस। इस स्केल को हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। ये हमारी है पीएच स्केल। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हो गई बात? अब सपोज है आपसे कोई पूछे पानी हमारा क्या है। सपोज है कहीं पर लिखा हुआ है सॉल्यूशन ए जिसका पीएच स्केल 5.6 है, सॉल्यूशन बी इसका स्केल है 7.3 है, सॉल्यूशन सी इसका स्केल है 8.3 है, व्हिच इज एसिडिक व्हिच इज बेसिक। तो आप कहोगे ए जो हमारा है वो एसिड है, और जो सी है वो हमारा बेस है, और जो बी है वो हमारा अप्रोक्स न्यूट्रल है। क्लियर हो गई बात? अगर आपसे कोई कहे कि वाटर मॉलिक्यूल में वाटर मॉलिक्यूल का पीएच कितना होता है, तो आप कहोगे वाटर मॉलिक्यूल का पीएच 7 होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी को अगर आप एसोसिएट करोगे तो आपको H+ भी मिलेगा और OH- भी मिलेगा, ऐसे को मिलेगा बेस भी मिलेगा। कितने नंबर ऑफ H+ मिल रहा है? 1। कितने नंबर ऑफ मिल रहा है बेस? OH। OH भी 1, H भी 1। तो दोनों को आपस में मिला दोगे तो हो जाएंगे न्यूट्रल, और जब न्यूट्रल होंगे तो इसका पीएच कितना आएगा? 7 आएगा। वैसे तो जितने भी डिस्टिल्ड वाटर होते हैं उनका पीएच 7 होता है, जो हम लोग घर में वाटर इस्तेमाल करते हैं उनका पीएच 7 नहीं होता, या तो कम होगा या तो एल्कलाइन यानी कि बेसिक मीडियम की तरफ जाएगा या एसिडिक मीडियम, यानी कि उनका पीएच 7 स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं मानते हैं। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डिस्टिल्ड वाटर का पूछा जाएगा, जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं उनका पीएच हमेशा 7। अब आगे बात देखिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर क्वेश्चन यहीं पीएच से काफी आते हैं, जब 14 से, क्योंकि आपको मालूम है एसिडिक की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, और बेस की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। जब हम 14 से 0 की तरफ में जाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज कंसंट्रेशन, ये इस ब्रैकेट को कंसंट्रेशन कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, और डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है इसका कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। और यही चीज उल्टी भी देखें, अगर हम उल्टा क्वेश्चन आ जाए तो क्या हो जाएगा, 0 से 14 की तरफ में जा रहे हैं तो क्या कर रहा है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, जब कि इंक्रीज करता है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ H+ OH- आयन। आपको ये सारी चीजें मालूम हो गई, तो ये तो पीएच स्केल की छोटी मोटी बातें हैं। तो ये आप क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है और टर्मिनोलॉजी की रेफरेंस चलते हैं, क्या उसमें यूज होता है। जैसे कि आता है आपने देखा होगा, पूछ लेते हैं व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट इज द वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है। यहां बेस भी लिख दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। क्लियर? और मिनरल एसिड क्या होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक।
करते हैं। सपोज दैट हमारे पास में कोई एसिड है, सपोज दैट हमारे पास में एसिड है AH, इसको हमने डिसोशिएट किया तो हमारा बना A प्लस एंड हमने इसको डिसोशिएट किया तो बना हमारा H प्लस और A माइनस, इसको हम उल्टा लिख दे रहे हैं H A। क्लियर? अब सपोज दैट हमारे पास में ये 100 मॉलिक्यूल थे, टूटने के बाद में 60 ये बन गया, 60 ये बन गया, नहीं स्टार्टिंग में 100 मॉलिक्यूल थे तो ये हमारा जीरो था और ये हमारा जीरो था। जब हमने डिसोशिएट करना स्टार्ट किया तो 60 डिसोशिएट हो गए एक सेकंड के अंदर में, तो ये कितने बचे 40। क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट एक और ले रहे हैं, अब की बार क्या किया ए की जगह हमने बी लगा दिया, इसको डिसोशिएट किया तो ये भी मिला एच प्लस और बी माइनस, ये भी 100 मॉलिक्यूल थे और जिसके स्टार्ट जब नहीं हुआ था तो 0-0 थे और आफ्टर ऑफ एक सेकंड में जैसे ही हमने स्टार्ट किया डिसोसिएशन ये बन गए 10, ये बन गए 10, 90 आ गए। तो ऐसे एसिड जिसमें डिसोसिएशन पावर बहुत ज्यादा हो उनको कहते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड, और ऐसे एसिड जिसमें डिसोसिएशन पावर बहुत कम हो उन्हें कहते हैं अगर बेस की बात करते हो तो क्या होगा कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस, लगभग कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए तो वो सारे हमारे स्ट्रांग होंगे और कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो तो उन्हें हम लोग कहेंगे वीक है। सारे मिनरल एसिड अभी लिखेंगे ना, मिनरल एसिड कौन कौन से होते हैं तो देखना, सारे मिनरल एसिड लगभग सारे तो नहीं होते, लगभग सारे होते हैं, एक दो छोड़ दो बस, तो वो सारे स्ट्रांग एसिड हैं। जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सारे हमारे वीक एसिड हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। आगे बात करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं। सपोज दैट हम एक डब्बा लेके आए, उसके अंदर में एसिड भरा हुआ है, इसके अंदर में एच प्लस आयन भरे हुए हैं। एक डब्बा और लेते हैं, उसके अंदर एसिड भरा हुआ है, उसमें थोड़ा पानी मिला दिया हमने, पानी मिलाया तो पानी क्या हो रहा है H3O प्लस आयन बना रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसको कहेंगे हम कंसंट्रेटेड एसिड, और जब वाटर मिलाने लगे तो क्या होगा डाइल्यूट एसिड। क्यों होगा, देखिए छोटा सा डब्बा लेते हैं, इसमें मान लीजिए 10 ml हमने एसिड रखा था, उसी डब्बे में हमने क्या कर दिया पानी में ऐड कर दिया, धीरे धीरे पानी ऐड किया तो हमने 20 ml कर दिया पानी। पहले क्या था प्योर 100% एसिड था, अब क्या हुआ पानी ऐड करना स्टार्ट कर दिया। जब पानी ऐड किया तो सबसे पहले तो एसिड हमारा हाइड्रोनियम आयंस बनाएगा, लेकिन कब तक बनाएगा जब तक एसिड होगा, जैसे जैसे हम और पानी ऐड करते जाएंगे हाइड्रोनियम आयंस की संख्या घटती जाएगी, पानी बढ़ता जाएगा, तो पर वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम यूनिट मेजरमेंट करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से हाइड्रोनियम आयंस का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, और जब डिक्रीज होता है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं डाइल्यूट एसिड। और जब पहली कंडीशन जो थी यानी कि जिसमें H प्लस आयन बहुत ज्यादा था उसे हम लोग कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, यानी कि अगर इसमें बहुत से पानी ऐड नहीं होता है और डाइल्यूट एसिड बहुत है इसमें हम सारा पानी ऐड कर देते तो वो डाइल्यूट है। क्लियर होगी बात। अब मिनरल एसिड क्या होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं जितने भी हमारे नेचुरल कंडीशन से पाए जाते हैं वो सारे हमारे मिनरल एसिड हैं, ये सारे मिनरल एसिड, और जो एनिमल बॉडी से या प्लांट बॉडी से या कार्बन कंपाउंड से पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड हैं, जैसे H3PO4, फास्फोरिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2CH2CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड, ये सारे एसिड हमारे ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल। क्लियर हो गई बात, आपने क्या क्या सीख लिया, पीएच स्केल सीख लिए, टर्म्स हमने सारे सीख लिए, एसिड के जितने टर्म्स होते हैं वो सारे सीख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट जब वीडियो पे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे
तो हमारा केवल एक टॉपिक बचेगा, वो है साल्ट का प्रिपरेशन। तो साल्ट प्रिपरेशन देखेंगे और उसके बाद ये हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।